हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग एक फिज़िकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक एक्टिविटी करने वाले हैं। और इस एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो जो हमारे छोटे स्नायु है, जिसको हम लोग फाइन मोटर बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, वो इस एक्टिविटी से आपके डेवलप हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। तो और बच्चों का ऑब्जर्वेशन जो लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, आपके पास जो बॉटल्स रहते हैं, पानी के बॉटल रहते हैं, अलग अलग साइज़ के, छोटे बॉटल, मीडियम साइज बॉटल, बड़े बॉटल, ऐसे जो बॉटल्स रहते हैं आपको वो लेना है। या फिर अगर आपके पास बॉटल्स नहीं हैं तो आपको जो आपके कंटेनर्स रहते हैं, प्लास्टिक के अगर कंटेनर आपके पास है, या फिर टिफ़िन के छोटे बॉक्सेस है आपके पास, स्टील के अगर टिफ़िन से छोटे छोटे डिब्बे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। लेकिन उसमें आपको अलग अलग साइज़ लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो तीन बॉटल लिए है, एक छोटी बॉटल ली है, एक मीडियम साइज़ बॉटल ली है और एक बड़ी बॉटल ली है। तो इसमें हम लोग बच्चों के लिए जो साइज़ रहते हैं, जो बच्चों का बॉटल का जो साइज़ है, अब देखोगे आप तो ये देखो, इसका जो मुंह है, जो उसका साइज़ है, हम लोग आज उस हिसाब से मैच करने वाले हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इजी एक्टिविटी है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है अलग अलग साइज़ का, छोटा साइज़, थोड़ा मीडियम साइज़ और थोड़ा बड़ा साइज़। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉटल का मुंह है वो ऐसे इस पे रख के आपको वो ड्रॉ करना है अलग अलग साइज़ का। और फिर आपको बच्चों को उस साइज़ के हिसाब से जो सर्कल बनाया है उसको आपको इस बॉटल से मैच करवाना है। सपोज़ अगर बच्चे ने बड़े साइज़ की बॉटल उठाई तो बच्चा पहले क्या करेगा, यहाँ पे मैच करके देखेगा, फिर वो यहाँ पे मैच करके देखेगा, और फिर लास्ट में जैसे वो बड़ा साइज़ आएगा तो वो यहाँ पे ऐसा मैच करके देखेगा। और जब उसको पता चलेगा कि ये फिटिंग फिट हो रहा है इस सर्कल में, तब उसको पता चलेगा कि ये साइज़ और ये साइज़ मैच हो रही है। तो इससे बच्चा क्या सीख रहा है, ऑब्जर्वेशन करना सीख रहा है, और वो ट्रायल और एरर मतलब गलती करके फिर सुधारना वो भी वो सीख रहा है। तो दूसरी बात, हम लोग ऐसा भी करेंगे, ये एक्टिविटी होने के बाद हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो बॉटल्स के कैप्स रहते हैं, ये जो कवर्स रहते हैं बॉटल के, आपको वो बॉटल के कवर मिक्स करने हैं और बीच में रखने हैं, और ये जो बॉटल्स है वो भी आपको बीच में रखने हैं। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को बोलना है कि आपको ये बॉटल बंद करनी है। तो बच्चा क्या करेगा, एक उठाएगा, वो वापस चेक करेगा अगर ये बंद हो रहा है क्या नहीं, ये एडजस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो दूसरा लेगा, वो भी देखेगा, अगर इसमें भी नहीं हो रहा है तो जो फिटिंग का है वो ऐसा वो बंद करेगा। इसमें शायद से बच्चा पूरी तरह बॉटल का ढक्कन, बॉटल बंद ना कर पाए तो भी ठीक है, लेकिन आपको बच्चे को ये बॉटल बंद करने की कोशिश बोलने बच्चों को बोलना है कि आपको ऐसा ये बॉटल बंद करना है, जितना हो सकता है उतना वो करेगा। फिर आपको दूसरी बॉटल बच्चे को देनी है या फिर बच्चा उठाएगा, और फिर वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगी, वो मैच करेगा पहले ये छोटा है और वो प्रॉपर ढक्कन इस पर लगाएगा, और फिर लास्ट बॉटल वापस वो ऐसे ढक्कन लगाएगा। इसमें आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ दो बॉटल नहीं लेनी है, इसमें आपको एटलीस्ट तीन, चार या पांच बॉटल लेनी है, ताकि बच्चों को मैचिंग करवा सकते हो और बच्चों को ज़्यादा वैरायटी मिले उसको ट्रायल और एरर बेसिस में ट्राई करने के लिए। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जब आपका बच्चा ये सब चीज़ें कर रहा है तब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि वो क्या क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है या इसने ऐसे ही छोड़ दिया। आपको थोड़ी मदद करनी है बच्चों की, पूरी तरह नहीं, उनके हाथ पकड़ के उनको वो बॉटल बंद करवाने को नहीं बोलना है, उनको खुद को करने दो, जितना हो सकता है वो बच्चे को बॉटल कोशिश करनी है बॉटल बंद करने की, और अपने आप उसका ये जो छोटे स्नायु उसका विकास होता रहेगा। थैंक यू।